में ये क्वेश्चन है और ये पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। यहाँ पे लिखा 64 टू द पावर 7, 64 का पावर क्या दिया, 7, डॉट मीन्स होता मल्टीप्लाई, फिर दिया 625 और इसका पावर 10 दिया, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई 100 और इसका पावर दिया है -20, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो जस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर आपने पढ़ा है उसी का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये पहले क्या लिखा हुआ, 64, ठीक है, और इसका पावर 7 दिया। तो ये जो 64 का पावर 7 है, मैं इसको अलग से समझा दूँ, ये दिया हुआ हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 64 है ना, इसको पावर में हम कैसे लिखेंगे, पावर के फॉर्म में। तो देखिए पहले 64 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 64 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 64 जो है, 64 कितने, 64 को अगर लिखना चाहें तो ये देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, देखिए ये 6 बार जो है 2 रिपीट हो रहा है, तो 64 की जगह हमने ये लिख दिया और इसका पावर क्या दिया हुआ है, 7, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम पावर में कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 6 ऐसे लगा सकते हैं, अगर हम 2 को 6 बार इंटू करेंगे तो वो कितना आएगा, 64 ही आएगा। तो यहाँ पर 64 को पावर के फॉर्मेट में लिखना होगा तो वो ये आएगा, ठीक है। अब ये तो 64 की जगह है और 64 के ऊपर भी एक पावर लगा है 7, तो अब इसको ब्रैकेट लगा के अब यहाँ पर आप पावर लगाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक्स का पावर एम और एक और इसको ब्रैकेट लगा के एक और पावर एन दे दिया गया है, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों पावर है तो ये दोनों पावर इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 का पावर 6 दिया हुआ है, फिर अगेन ब्रैकेट लगा के एक और पावर दिया है, तो इस केस में ये दोनों पावर ही है तो ये दोनों पावर इंटू हो जाएगा। तो इंटू होकर क्या हो जाएगा, 6 7 42, तो हमारे पास क्या आया, 2 का पावर 42, यानी कि 64 का पावर 7 है, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो वो ये आएगा, 2 का पावर 42, ठीक है ना। अब उसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्या है, 625 का पावर 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 625 को पावर में कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये 5 दिया हुआ, तो 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 5 5 5 10 और 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 से ये 625 का एलसीएम लिया तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 बार जो है 5 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 65 को अगर हम पावर के फॉर्म में लिखना, पहले इससे पहले हम यही लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए 625 की जगह हम ये लिख दिया, हम ये लिख सकते हैं, उसका बाद पावर क्या दिया, 10, तो यहाँ 10 पावर लगाइए, ठीक है। अब इसको पावर में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 5 का पावर 4, यानी कि 625 पर ध्यान दीजिए, इसको अगर पावर में लिखेंगे तो वो ये आएगा। अच्छा, अब इसका पावर क्या दिया हुआ, 10, तो यहाँ पर पावर 10 लगा दीजिए, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर ये जो टर्म दिया है इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी देखिए ये दोनों पावर है तो ये पावर क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे, कैसे, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ये 4 10 जा पावर इंटू कर दीजिए तो 40 आया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आया, इसको जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, ये आया हमारे पास। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या है, 100 का पावर क्या दिया हुआ, -20, 100 का पावर -20 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये जो 100 है, 100 इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो 2 5 10 ये आया, फिर 2 टाइम्स लीजिए, 2 2 4, 2 5 10, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5। तो यहाँ पर देखिए 100 का जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो लिख दीजिए इसको 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5, ठीक है ना, ये आया। और देखिए ये तो 100 की जगह इतना है, उसका पावर कितना दिया हुआ, इसको तो हम लगाएंगे, ठीक है, इसकल 2। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो पावर में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 को जस्ट मैंने पावर में लिख दिया, फिर इंटू ये देखिए 5 5 भी 2 बार आ रहा है, तो पावर में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा के ये पावर कितना दिया हुआ, -20 ये दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, मैं बता दूँ आपको कि पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। आपने ये पढ़ा होगा एक और फॉर्मूला, x का पावर m, x का x इंटू वाई, और यहाँ पर दिया हुआ m। यहाँ पे देखिए x इंटू वाई दो नंबर दिए हैं और दोनों का पावर ब्रैकेट लगा के दिया m, तो इस केस में जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो m पावर है ना, इन दोनों में लग जाएगा, यानी कि x का पावर m इंटू वाई का पावर m, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए ये क्या है, हमारा है 2 का पावर स्क्वायर इंटू 5 का पावर स्क्वायर, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा के पावर क्या दिया है, -20। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए x की जगह हमारा ये है पूरा,
एक्स की जगह हमारा 2 का पावर 2, ये इतना एक्स हो गया, और वाई की जगह हमारा ये हो गया, और एम क्या है हमारा -20। तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर ये वाला, तो एक्स क्या है हमारा 2 का पावर 2, ये है तो हमारा एक्स है। अच्छा अब ब्रैकेट लगा के एम, एम क्या है हमारा -20, ठीक है, इंटू मतलब जब आप ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये जो -20 जो पावर है ना इन दोनों में लग जाएगा। तो देखिए पहले आप 2 का पावर 2 लिखिए, फिर ये पावर ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट लगा के, उसके बाद ये 5 का पावर 2, फिर इसमें -20 पावर जो है ब्रैकेट लगा के लगाएंगे। ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये पावर 2 है, और ये भी पावर -20। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दो पावर है देख सकते हैं, 2 है और एक -20, तो ये इसमें भी यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दो पावर दिया है तो दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, तो 2 फिर इसको दोनों पावर इंटू कर दीजिए, यानी कि 2 इंटू और ये क्या है -20। देखिए माइनस वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों पावर इंटू हो गया इंटू, फिर इसको भी ऐसे ही कीजिए, ये भी दो पावर है तो इंटू कर लीजिए 2 इंटू और ये क्या है -20 है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, लिख दिया इसको, ठीक है, इक्वल टू 2। अब दोनों इंटू कर दीजिए 2 20 क्या हो जाएगा 40, और क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव साइन, ठीक है, इंटू 5, इसमें भी ये दोनों इंटू कीजिए तो 22 जा 40, और क्योंकि निगेटिव साइन है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दीजिए। तो यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो ये आएगा, देखिए इतना इसको 100 का पावर -20 को जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने सब सॉल्व करके बता दिया, तो वो इसके बराबर आएगा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए मैं यही मैं सॉल्व कर रही थी, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर क्या आया हमारा 2 का पावर -40 इंटू 5 का पावर -40, ठीक है, तो ये आ गया। तो सबको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, 64 का पावर 7 इसके बराबर है, 2 का पावर 42, 624 to the power 10 ये इसके बराबर है, और 100 का पावर -20 जो है वो इसके बराबर, सॉरी ये -40। तो अब देखिए सब जगह हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या था क्वेश्चन, ये था, मैं लिख देती हूँ 64 का पावर 7 dot 625 का पावर 10 dot 100 का पावर -20। तो अब इसकी सब वैल्यू लिखिए आप, ये देखिए 64 का पावर 7 की जगह क्या लिखेंगे 2 का पावर 42, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 42, फिर डॉट है तो इंटू लिख दीजिए, डॉट का मतलब इंटू, फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे आप 5 का पावर 40, ये हमने सॉल्व किया था ना, ठीक है। अच्छा अब इसकी जगह क्या लिखेंगे इंटू 100 का पावर क्या था ये -20 है, सॉरी देखिए ये आया है, ठीक है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 का पावर -40 इंटू 5 का पावर -40, लिख दें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जितना बेस टू वाला कौन सा है कि ये है बेस 2, ये देखिए 2 बेस है हमारा, ये भी बेस 2 है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, 2 का पावर 42 इंटू 2 का पावर क्या है -40, इसको एक साथ कर लेंगे इंटू, अब बेस 5 वाला ये है और ये है, इनको भी एक साथ कर लीजिए, 5 का पावर 40 इंटू 5 का पावर -40 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी पावर एंड एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला यूज होगा, x का पावर m इंटू x का पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड। यहाँ पर भी देखिए आपका बेस सेम है, 2 2 बेस सेम है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो लिखिए आप यही फॉर्मूला, जिस लगेगा 2 और ये पावर दोनों ऐड कर लीजिए, तो 42 प्लस, लेकिन ये पावर निगेटिव में है ये, तो इसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे, हो गया दोनों पावर हमने ऐड कर लिया, फिर इंटू यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है 5 5, तो पावर दोनों ऐड कर दीजिए, तो 5 40 प्लस, और ये दूसरा पावर निगेटिव में है तो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो 2 42 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट खोली तो प्लस माइनस माइनस, फिर ये 40 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 40, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये क्या है 42। अब देखिए 42 में से 40 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 2 आएगा इंटू 5, 40 में से 40 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 0 आएगा, यही आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2, तो इसको दो बार लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू ये देखिए 5 का पावर 0, तो किसी भी वैल्यू में अगर पावर 0 लगा होगा तो उसका वैल्यू, उसका आंसर 1 होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, एक्स का पावर 0 तो ये क्या होता है 1 के बराबर होता है, यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, x यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर मान लीजिए 100 का पावर 0 है, देखिए पावर 0 अगर रहेगा तो वो सीधे 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पर 5 का पावर 0 है तो ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, तो इसको सॉल्व कीजिए 2 2 जा 4 4 1 जा 4, तो ये आंसर आएगा हमारा जो ये क्वेश्चन है ये, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज कितने बड़े बड़े थे, पावर भी आप देख सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आया 4 आया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।